श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि अचानक आपका बच्चा घर में झाड़ू लगाने लगे तो ये क्या संकेत देता है। देखिए, घरों में साफ सफाई को लक्ष्मी से जोड़ा गया है। झाड़ू का संबंध, जो सीधा संबंध है, वो सफाई से है, इसलिए शास्त्रों में इसे भी देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वैदिक मान्यताओं में घर में झाड़ू रखने के स्थान से लेकर इसका उपयोग करने तक के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर खुशहाल परिवार के लिए आवश्यक माना गया है। झाड़ू के प्रयोग से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जैसे सुबह की शुरुआत सबसे पहले झाड़ू द्वारा घर की सफाई करना, नए घर में पुराना झाड़ू नहीं लेकर जाना, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना इत्यादि। ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें करना घर से दरिद्रता को दूर भगाकर लक्ष्मी का अस्थाई निवास होने के लिए आवश्यक माना गया है। इसके अलावा झाड़ू रखने को लेकर भी कई तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर के दुश्मन बढ़ते हैं। झाड़ू को खुले में नहीं रखना चाहिए, बल्कि घर में ऐसी जगह रखा जाना चाहिए जहाँ किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़े, खास करके बाहर से आने वाले लोगों का या अतिथियों की नज़र में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार एक अन्य मान्यता है बच्चों को लेकर। अक्सर घरों में देखा जाता है कि छोटे बच्चे अचानक ही अपने खिलौने छोड़ झाड़ू उठाकर उसे खेलने लगते हैं, या घर में बड़ों की नकल करते हुए झाड़ू उठाकर उसे सफाई करने का प्रयास करते हैं। तो अगर कभी घर का कोई बच्चा ऐसा करता है, ये हरकत करता है, तो शास्त्रीय अर्थों में या घर में किसी आगंतुक या अतिथि के आगमन का संकेत है। इसके अलावा भी माना जाता है कि आने वाला अतिथि या तो आपके लिए आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार से लाभप्रद सिद्ध होगा या किसी अन्य प्रकार से आपको धन लाभ होगा। सीधे शब्दों में यह आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होना भी दिखाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।